हेलो गाइस, वेलकम अगेन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पावर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़ा था। आज हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो है वो पढ़ेंगे। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है जी। देखिए जी, हीट क्यों प्रोड्यूस होती है। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए एक वायर है हमारे पास। ठीक है जी। अब इस वायर को हमने यहाँ पे एक बैटरी के साथ लगा दिया, करंट ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है जी। जो करंट की डायरेक्शन होती है उससे अपोजिट डायरेक्शन किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की। ये इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है। ठीक है जी। क्या होगा, हर एक वायर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है। ठीक है। और रेजिस्टेंस का मतलब है जब इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो करने की कोशिश करते हैं तो बाकी इलेक्ट्रॉन्स और जो आयंस होते हैं वो इसको रोकने की कोशिश करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को रोकेंगे, वो आयंस और दूसरे इलेक्ट्रॉन, तो उनको जब वो रोकेंगे तो उनकी जो कनेटिक एनर्जी है वो किस में चेंज हो जाती है, हीट एनर्जी में। ठीक है जी। और वो जो हीट निकलती है वो हमेशा निकलती है। आप देखो, कोई भी आप जैसे हीटर हो गया, बॉयलर हो गया, या फिर इलेक्ट्रिक आयन जिससे आप कपड़े प्रेस करते हो वो हो गया, उसमें सभी में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो यूज़ करते हैं। और वहाँ पे हमारे को हीटिंग इफेक्ट चाहिए क्योंकि वहाँ पे हमारे को हीट प्रोड्यूस करती है। लेकिन जो सिंपल वायर्स होती है, हम देखते हैं कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज़ होती है वो थोड़ी देर बाद गर्म हो जाती है ना, करंट उसमें से फ्लो करता था, वो भी हीटिंग इफेक्ट है। लेकिन वहाँ पर हमें हीट नहीं चाहिए। ठीक है। कई जगह मान ली चाहिए, कई जगह नहीं। अब वो हीटिंग जो है वो प्रोड्यूस क्यों होती है, वो प्रोड्यूस होती है ड्यू टू रेजिस्टेंस। ठीक है जी। रेजिस्टेंस होगी तो ही हीट जो है प्रोड्यूस होगी। करंट फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस है तो 100% वहाँ पे हीटिंग प्रोड्यूस होगी। दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो जब करंट किसी मटेरियल में से फ्लो करता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ मटेरियल, जब करंट किसी मटेरियल से फ्लो करता है, दी इलेक्ट्रॉन्स लूज देयर एनर्जी ड्यू टू रेजिस्टेंस इन दी फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी लूज कर जाते हैं। दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसको हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। ठीक है जी। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट में हीटिंग इफेक्ट, अब ये तो हो गया सीधे सीधी सीधी बात, लेकिन मैथमेटिकली इसको हम कैसे बता सकते हैं वो आज हम देखेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था, वी नो दैट, हम इसका एक फॉर्मूला डराइव करेंगे जो कि CBSE में पूछा जाता है, NTSC में के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। वी नो दैट पावर जो होती है वो होती है एनर्जी अपॉन टाइम। भी मैंने बताया था कि वर्क डन अपॉन टाइम तो होता ही है, एनर्जी अपॉन टाइम भी होता है। तो एनर्जी किसके बराबर होगी, पावर इंटू टाइम। और यही एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी भी है। इसको लिखते हैं हीट एनर्जी। वो क्या हो गया, वो आ गया हमारे पास पावर इनटू टाइम। ठीक है। या फिर एच इज इक्वल टू लिखते हैं पी इनटू टी। एक तो ये फार्मूला हो गया, हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं अगर पावर दिया हमें। लेकिन हमें पता है, वी नो दैट पी इज इक्वल टू वी इनटू आई होता है। लास्ट लेक्चर में अगर आपने नहीं देखा तो वो आप दोबारा उसको स्टडी कर सकते हो लेक्चर को, इसमें पुट कर दो। तो एच इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, वी इंटू आई इंटू टी। ये भी एक फॉर्मूला है। इसको इक्वेशन 1 लिख देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 लिख देता हूँ। ठीक है जी। ये हो गया। उसके बाद हमारे पास अगला फॉर्मूला आया। देखिए, हमें ये भी देखा कि पी इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू जो है वो आई स्क्वेयर आर भी लिख सकते थे हम।
एक में शायद कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर ये हीटिंग इफेक्ट किसके बराबर होगी? आई स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है जी, आई स्क्वायर आर इंटू टी हो गया। ठीक है जी, अब तो ये एक और फार्मूला जो कि सबसे अप्रोप्रिएट फार्मूला है, इस फार्मूले को हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, एच इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। अब और इसको और भी लिख सकते हैं फार्मूला, आई इज इक्वल टू लिख सकते हैं वी स्क्वेयर बाय आर इन टू टी, ये भी एक फार्मूला है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है ये, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज नहीं है। अगर हमारे पास मान लीजिए घर पे जो कोई भी चीज़ लगी है, हम लोगों का घर में जो सर्किट होता है वो सर्किट होता है पैरेलल में, वो पैरेलल में सबके साथ वोल्टेज सेम होती है, तो क्या डिफरेंट होता है? करंट डिफरेंट होता है और रेजिस्टेंस भी सबकी डिफरेंट होती है, वोल्टेज सेम होती है, इसलिए ये फार्मूला जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हमारे पास। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो हीट प्रोड्यूस होती है वो होगी हमारे पास करंट का स्क्वेयर आर इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टर डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करती है? पहला स्केयर ऑफ द करंट थ्रू द रजिस्टर, ठीक है, स्केयर ऑफ द करंट थ्रू द रजिस्टर। उसके बाद रेजिस्टेंस, रजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, और तीसरा करती है कितना टाइम के लिए आपने लगाया। अगर आप हीटर जो है वो 3 घंटे के लिए लगाओगे तो ऑब्वियसली हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, है ना, तो टाइम टेकन। ठीक है, कितना टाइम लगा, तो इन चीज तीनों चीज़ों के ऊपर जो है वो हमारी हीट प्रोड्यूस डिपेंड करती है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ज़्यादा करंट का क्योंकि स्केयर है, इसलिए सबसे ज़्यादा किसके ऊपर डिपेंड करती है कि करंट कितना ज़्यादा सर्किट में। अब यहाँ एक और चीज़ आती है, यहाँ एक और चीज़ आती है कि ये कि हम करंट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, तो अगर करंट ज़्यादा है तो हम हो सकता है हम ऐसी चीज़ लेनी चाहिए जिसकी रजिस्टेंस कम हो, लेकिन रजिस्टेंस बड़ी कम हुई, 0 होगी, तो फिर तब भी हीटिंग प्रोड्यूस नहीं होगी। और अगर हमने रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा ले ली, जैसे इंसुलेटर ले लिया, तो उसमें तो करंट ही फ्लो नहीं करता, तो करंट 0 हो जाएगा, तो दोनों चीज़ें हम यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए फॉर रेजिस्टर्स वी यूज़ अलॉयज, अलॉयज को यूज़ करते हैं हम। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ करते हैं? पहले पढ़ रखा आपने निक्रोम यूज़ करते हैं हम सबसे ज़्यादा, से जितने भी हीटिंग एलिमेंट होते हैं बॉयलर के, गीजर के, जो सोलर गीजर होता है वहाँ पे भी, खैर वहाँ पे अलग मैकेनिज्म होता है, तो दूसरा हमारा जो हीटर होता है जो इलेक्ट्रिक आयन होती है उसमें निक्रोम की वायर यूज़ करते हैं हम। अब निक्रोम की रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होती है, लेकिन उसमें करंट फ्लो कर जाता है, उसमें करंट रुकता नहीं है। ठीक है, इसलिए हम ज़्यादातर जो हीटिंग एलिमेंट है वो निक्रोम ही यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो इसलिए हमें बड़ा सुटेबली अपना मटेरियल जो है वो चूज़ करना पड़ता है। ठीक है जी, अब ये तो हो गया हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास एक यूनिट है, ठीक है, उसको बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का कमर्शियल यूनिट क्या है? दी कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज KWH, यानी कि इसको बोलते हैं किलो वाट आवर। ठीक है जी, अब होता क्या है देखिए, और याद रखना है किसका यूनिट है, इट इज यूनिट ऑफ एनर्जी, किलो वाट आवर एनर्जी का यूनिट होता है, ना कि पावर का। पावर का बस वाट होता है या किलो वाट होता है, किलो वाट आवर नहीं होता। ठीक है जी, आवर लगा साथ में तो एनर्जी का यूनिट लग गया। ठीक है जी, अब 1 किलो वाट आर क्या होता है? इफ
मशीन, एक मशीन है ऑफ पावर, ऑफ पावर 1 किलो वाट। 1 किलो वाट मतलब, किलो मतलब होता है 1000, तो 1000 वाट वाली मशीन है वो, पावर 1 किलो वाट इज ऑपरेटेड फॉर 1 आवर। अगर उसको 1 घंटे के लिए चलाया जाए, देन दी एनर्जी लिबरेटेड, जो एनर्जी यूज होती है या निकलती है जो भी है, इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। इसका मतलब अगर हम एक मशीन लें और उस मशीन जिसकी पावर 1000 वाट हो, वो उसको अगर हम 1 घंटे के लिए चलाएं, तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को कहते हैं 1 किलोवाट आवर। ठीक है जी। तो इसका मतलब अब पावर किसके बराबर होती है, एनर्जी इनटू टाइम। तो पावर इज इक्वल टू हो गया, एनर्जी आ गई, सॉरी, पावर पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी हो गई हमारे पास पावर इनटू टाइम। तो एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी 1 किलोवाट होगी, किलोवाट आर होगी, जब पावर कितनी है 1 किलो और टाइम कितना है 1 आवर। अब देखिए 1 किलोवाट, किलोवाट का मतलब क्या है, 1000 वाट, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। 1 वाट की डेफिनेशन पिछली बार की थी 1 जूल बाय सेकंड, तो ये किसको इसको कितना लिख सकते हैं, 3600000 सेकंड से सेकंड कैंसिल, जूल। तो 1 किलोवाट आवर किसके बराबर हो गया, 36 लैक्स। ठीक है जी। ओके, तो ये हो गया हमारे पास। अब 3.6 करोड़ हो गया एक्चुअली। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 3.6 × 10 की पावर 6 जूल भी लिख सकते हैं इसको, 1 किलोवाट आवर को। तो अगर 1 किलोवाट आवर को अगर हमने यू चेंज करना हो जूल में, तो हम ऐसे कर सकते हैं। अब हमारे घरों में जो बिजली आती है, वहाँ पे आपने देखा होगा कि 5 यूनिट है या 6 यूनिट है, तो जो नंबर ऑफ यूनिट है, नंबर ऑफ यूनिट्स का मतलब है नंबर ऑफ kWh। इसका मतलब अगर आपके घर में मान लो आपने 100 यूनिट्स यूज़ की है बिजली, तो इसका मतलब आपने कितने किलोवाट यूज़ किए हैं, 100 किलोवाट आर यूज़ किया। और 1 किलोवाट आर किसके बराबर होता है, 3.6 × 10 की पावर 6 जूल। तो जो आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है, उसकी थ्योरी लगभग आपकी कंप्लीट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसे न्यूमेरिकल करेंगे, और आपको मैं एक असाइनमेंट दूंगा जो कि आपने सॉल्व करनी है। ठीक है जी। तो कोई भी अगर आपको कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ठीक है जी। ओके ओके, बाय।